बोलिए सद्गुरुदेव की। सभी से निवेदन है कि शांति से बैठे। आपको किसी की बातें लग सकती है, आपको किसी की बातें चोट कर सकती है, आपका जीवन बदल सकता है। आप यहाँ जीवन परिवर्तन करने आए हैं और हो सकता है आप घूमने भी आए रहे होंगे, लेकिन किसी की यदि बात लग गई और जीवन बदल गया तो सोना में सुहागा हो गया। फिर अभी हमारे संत कह रहे थे कर्मकांड और पाखंड। कर्मकांड और पाखंड का एक लाइन में अर्थ कहूँ, जो हम कहते हैं करते नहीं, ये कर्मकांड है, और उसी का जब बढ़ावा हो जाता है तो इसको पाखंड कहते हैं। यहाँ सत्संग की चर्चा हो रही है और जीवन को बदलने की चर्चा हो रही है और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, तो हम जितने सब बैठे हैं ना, मैं क्षमा चाहता हूँ, सब के सब कर्मकांडी और पाखंडी के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि एक कान से सुन लिए और दूसरे कान से निकाल दिए, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इतना ही कहलाएंगे। और इसी कारण से आपके घर में और परिवार में परिवर्तन नहीं होता है। हम जानते बहुत कुछ हैं, क्या बदलते भी हैं जीवन को? जानते हैं लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं लाते। इसलिए आने वाले पीढ़ी को सत्संग के प्रति, धर्म के प्रति, सत्य निष्ठा के प्रति झुकाव नहीं है। और हर माँ बाप की शिकायत होती है कि हमारे बच्चे कहाँ नहीं मानते हैं। हर माँ बाप की शिकायत होती है हमारे बच्चे, क्या आप अपने बच्चे को सिखाए हैं? क्या आप अपने बच्चे को कभी धार्मिक संस्थाओं में ले गए हैं? क्या कभी आप अपने बच्चे को आश्रमों में ले गए हैं? क्या कभी आप अपने बच्चों को गुरु के सामने सर झुकाना सिखाया है? क्या कभी आपने अपने बच्चों को सेवा करना सिखाया है आश्रम में ले जा करके? आपने ये चीज़ सीख ही नहीं दिए हैं। आपने पढ़ना सिखाया, बच्चे पढ़े, आपने इंजीनियर बनाया सिखाया, इंजीनियर बने, गाड़ी चलाना सिखाया, गाड़ी चलाए, मोबाइल चलाना सिखाए, मोबाइल चलाता है। क्या आपने अध्यात्म की भी परिभाषा सिखाया है बच्चे को? और माँ बाप की शिकायत होती है बच्चे हमारा कहा नहीं मानते हैं। आप कितने मानते हैं अपने माँ बाप के? हर व्यक्ति अपने ही माँ बाप से पराए होते जा रहे हैं और अपने ही माँ बाप से नफरत करते, नफरत का बीज बोते चले जा रहे हैं। और इसमें बैठे ना, उसमें से अधिकतम लोगों की गिनती इसमें है, अधिकतम लोगों की। आपको अपना ही पिता अच्छा नहीं लगता है, आपको अपनी ही माँ अच्छी नहीं लगती है, आपको अपने ही पुत्र, आपके अपने ही पुत्र वधु अच्छी नहीं लगती है। ये दुनिया का नियम अजीब है। जब समुद्र में लहरें आती है तो नज़दीक के गड्ढों को पहले लबालब करते हुए चलती है, तब दूर के गड्ढों को भरती है। लेकिन आदमी की प्रवृत्ति क्या है? दूर का ढोल सुहावन। उस माँ के प्रति प्रेम और करुणा होती है जिस माँ को छोड़ करके आए होते हैं। जीवन को बदलिए। बच्चों को आज मैं कहना चाहूँगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, उसमें से 50 से ज़्यादा उम्र वाले हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं सत्संग की। आप लोगों को जीवन नैया पार हो चुका है, सत्संग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आने वाले पीढ़ी को सत्संग की ज़रूरत है। और यदि आने वाले पीढ़ी को आप सत्संग के प्रति आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनको रुझान नहीं देंगे, तो कल की पीढ़ी क्या है सत्संग नहीं जानेगा, क्या है धर्म नहीं जानेगा, धर्म की परिभाषा इतना ही जानेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन ये धर्म जानेगा, बाकी मानवता क्या चीज़ है ये नहीं जान पाएंगे, प्रेम क्या चीज़ है नहीं जान पाएंगे, दया क्या चीज़ है ये नहीं जान पाएंगे, उससे दूर कोसों चले जाएंगे। और ये दूर ले जाने वाले ना आप सब है, अपने ही बच्चे के जीवन का दुश्मन बनते हैं आप, अपने ही बच्चे के जीवन का आप दुश्मन बनते हैं। आप ही अपने बच्चे के जीवन को बर्बाद करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। कल कुछ लोग बैठे थे दो जने के पास में, कहे वो एक बच्ची कहे, पापा आने वाली पीढ़ी का जो माहौल खराब है ना, इसकी जिम्मेदारी इन बच्चों की नहीं, आप सबकी है। आपने संतों के प्रति रुझान नहीं दिया, आपने सत्संग के प्रति प्रेरणा नहीं दिया, इसलिए आज बच्चे भटक रहे हैं। अभी हमारे साथी कह रहे थे दुर्गा पूजा, दो मिनट इस पर बताऊं। पहले दुर्गा पूजा स्टार्ट हुआ था एक उपासना के लिए, एक श्रद्धा और भक्ति और प्रेम के लिए दुर्गा उपासना शुरू हुआ था। और उपासना के समय 9 दिन तक
बहनें एक साइड बैठ करके अपना उपासना करती थी, ध्यान करती थी, कीर्तन करती थी, एक तरफ पुरुष लोग बैठ करके करते थे, उपवास रहते थे और अपना साधना करते थे। आज का दुर्गा पूजा क्या हो गया है, आज का नवरात्रि ढोल ढमाका, बस जीवन की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। आज डॉक्टरों के पास में दुर्गा गर्भा नृत्य के बाद में जितने केसेस आते हैं ना, उतने 11 महीने में गलत केसेस नहीं आते हैं। आप जितना ही श्रद्धा और भक्ति से उस दुर्गा की पूजा करते हैं, उतना ही श्रद्धा और भक्ति और प्रेम के साथ घर की दुर्गा की पूजा करते तो आपका घर प्रेम बन जाता। पैसा ही से जीवन नहीं संवरता है, अगर पैसे से जीवन संवरता तो अंबानी दोनों भाई नहीं लड़ते, आपस में कोर्ट और कचहरी नहीं चलते। पैसा से सब कुछ होता तो जीवन बड़े बड़े आदमी लोग पैसों को सुख को खरीद लिए होते, गरीब लोगों के जीवन में सुख ही नहीं होता। कर्मकांड और पाखंड, आप यहाँ जितने बैठे हैं उसमें से अधिक लोग कबीरपंथी हैं, और मैं सच कहूं तो कबीरपंथी हम सब कम है, लबरपंथी ज्यादा हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उसमें से 90% लोग दुर्गा पूजा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, असली भगवान से साक्षात्कार ही नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, असली भगवान को जानते ही नहीं तो क्या करेंगे। एक आपकी इच्छा और निष्ठा है तो आप पूजा करिए, लेकिन सत्य बताऊं, जिस दुर्गा की आप पूजा करते हैं वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकती है, लेकिन आपकी श्रद्धा है तो करिए, लेकिन मात्र पूजा और पाठ से जीवन में परिवर्तन नहीं होने वाला है। यदि पूजा और पाठ के बल पर परिवर्तन चाहे, कल मेरे पास एक फोन आया था, कहे साहब जी मैं सदगुरु कबीर के प्रति इतना निष्ठावान था और सदगुरु कबीर को मैं परमात्मा मानता था और मेरे गुरु ने बताया था कि सदगुरु कबीर ही परमात्मा है और सदगुरु कबीर से ही सृष्टि शुरू हुई है। मैंने उनको कहा हमारे भारत देश में 135 करोड़ आबादी है, 135 करोड़ आबादी में 30 करोड़ भी कबीरपंथी नहीं है तो क्या 105 करोड़ लोग का जीवन नहीं चलता है, क्या 105 करोड़ लोगों की दुकानें नहीं चलती है, उनका मकान नहीं बनता है, उनका परिवार नहीं चलता है, क्या 105 करोड़ लोग दुखी जीते हैं। यदि कबीर को परमात्मा मान लिए तो आप कह रहे होंगे कबीरपंथी होकर के क्या बोल रहे हैं, कबीर साहब ने कभी नहीं कहा मैं परमात्मा हूँ, कबीरपंथियों ने परमात्मा बना दिया। और क्यों बनाया, क्योंकि उसके पीछे बिजनेस चलता था। सदगुरु कबीर का मूल बीजक रचना है, उसकी व्याख्या सदगुरु अभिलाष साहेब की रचना है, यहाँ दो भागों में उसको पढ़िएगा, लेकिन सदगुरु कबीर की मूल बीजक को लोगों ने किनारे कर दिया और कबीर पंथियों ने वहां पर अनुराग सागर कई प्रकार की पुस्तकें ला दी। क्यों लाए ये भी बताऊं, क्योंकि मूल बीजक में पूजापा और महंती पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए कबीर पंथियों ने मूल बीजक को दबाने का प्रयास किया। और जहां पर पैसा पूजापा और महंती की बात चलती है वहां पर चलता है, इसलिए अनुराग सागर सामने लाया गया ताकि हम लोगों को खूब पैसा मिल सके। और हर आश्रम में आज कबीर की जय जयकारा होती है, कबीर के नाम पर यज्ञ करते हैं, कबीर के नाम पर हवन तर्पण करते हैं। और जीवन तो अभी हमारे संत कह रहे थे पंथ का मतलब होता है रास्ता और कबीर का मतलब जानते हैं, कबीर का मतलब होता है महान, एक महान पंथ, एक महान रास्ता। और इसमें आने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आ सकता है, कोई भी इस मत पंथ पर चल सकता है। आप कर्म कांड से ऊपर उठे और धर्म, आपको बताऊं सत्य, जितने आज लड़ाइयां धार्मिकों में हैं, जितनी आज बर्बादी धार्मिकों में हैं, उतना आम जनता में बर्बादियां नहीं हैं। आज जितना आदमी को धार्मिक लोग लड़ाते हैं, और कौन धार्मिक, हम जैसे मंच में बैठने वाले लोग, क्षमा चाहूंगा, जो सत्य बात नहीं बताते हैं और धर्म के नाम पर गुमराह करते हैं, कबीर के नाम पर यज्ञ करते हैं। अभी मैं जिस जगह रहता हूं वहां से 4 किलोमीटर बगल में एक महंत है, वो पूजा भी करता है, चौंका भी करता है, और चौंका करता है और गांजा भी बेचता है। महंत है, आज जेल में पड़ा हुआ है, ये स्थिति है महंतों की। और मैं पहले ही कहा पूजा और पाठ के बल पर जीवन परिवर्तन नहीं होगा, ये चीज दिमाग में लिख लीजिए। आप यहां से जाने के बाद में आपके भाषा में प्रेम का उद्गार होना चाहिए, यहां से जाने के बाद में आपका जीवन शैली बदल जाना चाहिए, यहां से जाने के बाद में आपके दुश्मन हट जाने चाहिए, तब सत्संग का महत्व है। नहीं तो हम सब, मैं पहले ही कहा कि हम सब कर्मकांडी और पाखंडी के अलावा कुछ भी नहीं कहलाएंगे।
बदलिए जीवन। पैसा से जीवन नहीं बदलता है, जीवन कपड़े से नहीं बदलते हैं, मोबाइल से नहीं बदलता है, मकान से नहीं बदलता है, गाड़ी से नहीं बदलता है, जीवन बदलता है आपके अपने विचारों से बदलता है। क्या विचार को भी बदलते हैं आप गाड़ी बदल देते हैं, मकान बदल देते हैं, मोबाइल बदल देते हैं, कपड़े बदल देते हैं, ये मकान पसंद नहीं तो दूसरे मकान में चले जाते हैं। क्या कभी आपने विचारों को बदलने का प्रयास किया है? सब कुछ बदल दिया और विचारों को नहीं बदले तो जीवन नहीं बदल सकता है। और जीवन बदलने का तरीका यही है, विचारों को बदलिए, कर्मकांड और पाखंड से हटिए, ऐसे ही विचार सुनते रहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ, बीच बीच में कहीं भी जाता हूँ तो सत्संग के प्रति रुझान रखिए। आपके घर में बर्थडे प्रोग्राम होता है, किसी की मृत्यु होती है, आप जिन संतों को मानते हैं उनको बुलाइए और सत्य और निष्ठा और प्रेम की परिभाषा पूछिए, जीवन जीने की शैली पूछिए। आप ही सत्संग, आपके घर में संत कई सालों से नहीं गए हैं, क्यों नहीं गए हैं? क्योंकि आप वो चाहते नहीं हैं। और कहते हैं बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं, कौन बिगाड़ रहा है बच्चे को? आप बिगाड़ रहे हैं, आप जिम्मेदार हैं। यदि आज आपके बच्चे सत्संग से रति प्रति निष्ठा नहीं है तो आपने अपने बच्चों को सत्संग से दूर कर दिया है। इसलिए सत्संग के प्रति जुड़िए। और आपके घर में कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है तो जिन संतों को आप मानते हैं उनको बुलाइए और अर्थ पूछिए, जीवन का अर्थ पूछिए, जीवन का महत्व समझिए। और छोटा प्रोग्राम करिए, बड़ा नहीं कर सकते, छोटा करिए जहाँ पर रहते हैं, तब आप सत्संग के प्रति जुड़ेंगे, तब कहीं कबीर पंथ को समझ पाएंगे। नहीं तो आपके घर में कबीर पंथ लुप्त होता चला जाएगा और आपको अपने ही जीवन काल में जो कल्पना भी नहीं किए हैं वैसे ऐसे दृश्य आपको घर में देखने को मिलेंगे, घर में देखने को मिलेगा और आप अपने ही आप में पीड़ित रह जाएंगे, आपका जीवन बेकार चला जाएगा। इसलिए आप सब अपने जीवन को संवारिए और सुंदर जीवन का निर्माण करिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।